Zoomtime.com audio. Hello friends, welcome to another episode of Show Mistake. दोस्तों आज एक अनोखा और इजी टू यूज वैक्यूम क्लीनर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये वैक्यूम क्लीनर एग्रो ब्रांड के तरफ से है और ये एक अपराइट वैक्यूम क्लीनर है। इसको यूज करना तो आसान है ही, लेकिन इसको रखना भी उतना आसान है। लेकिन जब आप एक वैक्यूम क्लीनर खरीदते हो या खरीदने का सोचते हो तो सबसे पहले आपको ये दिमाग में आता है कि उस वैक्यूम क्लीनर को रखेंगे कहाँ पे। या तो उस वैक्यूम क्लीनर को आपको बेड के नीचे रखना है या तो बॉक्स में फिर पैक करके रखना है। और ये करते करते क्या होता है कि वैक्यूम क्लीनर आप यूज ही नहीं कर पाते हो। तो ये वैसा नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए आपको इंतजार और नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट देख लेते हैं कि ये वैक्यूम क्लीनर क्या क्या काम आपके लिए कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख चुके हो कि जो वैक्यूम क्लीनर है इसके साथ बहुत बड़ा कॉर्ड दिया गया है और इस कॉर्ड को मैंने प्लग के साथ अटैच कर दिया है। और ये देखिए, इस वैक्यूम क्लीनर को आप किसी भी जगह पे ऐसे रख सकते हो। तो आप इसको दीवार के साइड पे रख सकते हो, तो ये ऐसे लॉक पोजिशन में आ जाता है। जब इसको आपको खोलना है तो बहुत ही आसान है, आप यहाँ पैर रखिए और ऐसे पीछे की तरफ स्लाइड कीजिए तो ये खुल जाता है लॉक से। तो ये अभी इजी एक्सेसिबल हो जाता है। तो अभी इस वैक्यूम क्लीनर को अगर आपको चलाना है तो यहाँ पे स्विच दिया गया है, इस स्विच को ऑन करने से ये वैक्यूम क्लीनर चालू हो जाता है और आसानी से आपके घर का जितना भी फर्श है, मैला वगैरह है, तो आप इसे ठीक सकते हो। और ये बहुत इजी एक्सेसिबल है, आप इसको ऐसे करके स्लाइड करके भी यूज कर सकते हो और ऐसे करके साइड करके भी आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये दोनों साइड में जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और ऐसे करके भी किसी जगह पे आप इसको स्लाइड कर सकते हो। और इसको जब आप बंद करोगे, यहाँ से इसको प्रेस करके इसको बंद करोगे और फिर से यहाँ पे प्रेस करके ऐसे लॉक ऐसे कर देना तो ये यहाँ स्टैंड हो जाता है और इसको आसानी से किसी भी जगह पे आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो। इसका जो डस्ट कंटेनर है, इसको यहाँ से प्रेस करने से ये यहाँ से खुल के चला आएगा। तो ऐसे इसको आप खोल के आसानी से साफ कर सकते हो। ये नीचे वाला कंटेनर मैंने दिखाया था, इसको ऐसे खोल के आपको फेंक देना है। अगर आपको इसका जो फिल्टर वगैरह है उसको साफ करना है तो ऊपर की तरफ से जो कंटेनर है इसको आप यहाँ से खोल सकते हो, तो ये यहाँ से ये खुल जाएगा। और इस फिल्टर को अगर आप धोते हो तो इसको धूप में बहुत टाइम सुखाना पड़ेगा, आपको पूरा एक दिन इसको सुखाना पड़ेगा और उसके बाद इसको फिर से यहाँ अटैच करना है। और इसका भीतर वाला जो फिल्टर है मैं दिखाता हूँ, वो भी आप आसानी से इसको खोल के पानी से धो सकते हो। फिर यहाँ पे आपको इसको अटैच करना है और इसको ऐसे जो व्हाइट पोर्शन है ये ऊपर की तरफ रहेगा और इसको ऐसे यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। तो यहाँ पे इसका लॉक है, तो इसके बाद इसको सिर्फ लेके यहाँ पे आपको अटैच कर देना है और रेड वाला पोर्शन पीछे की तरफ रहेगा और ये यहाँ पे ऐसे लॉक हो जाएगा। अब हम लोग दिखाते हैं कि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये कितना अच्छा सक्शन कर लेता है। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछले वाला वीडियो पे कमेंट किया था कि मैंने कोई साफ सफाई करके नहीं दिखाया, लेकिन अभी मेरे पास तो यहाँ धूल है नहीं, तो क्या किया जाए। देखिए, जो किचन में होता है ना, किचन में आप लोगों के पास क्या गिरता है मिट्टी पे, देखिए ऐसा चाय गिरता है, तो मैं यहाँ कुछ चाय का पत्ती गिरा दिया। और उसके बाद ये लीजिए कुछ सरसों, काले सरसों के दाने गिरा दिए यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे और क्या गिराया जाए, चलिए कुछ पांच फोरन गिरा दिए। और उसके बाद अब धूल तो मेरे पास यहाँ जो है वो आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ लाल मिर्ची गिरा देता हूँ। तो चलिए ये सारा गिरा के मैं ये जगह को पूरा एकदम मैला कर दिया। अब चलिए देखते हैं कि ये हम साफ कर सकते या नहीं कर सकते। तो पहले जो वैक्यूम क्लीनर है उसको हम लोग रिलीज कर लेते हैं और उसके बाद जो पावर है उसको ऑन करेंगे और चलिए देख लेते हैं। तो आप देख चुके होंगे कि कुछ भी मिट्टी में आपका पड़ा नहीं है, इसने सारा चीज एकदम बारीक से पूरा साफ कर लिया, क्योंकि इसके नीचे एक ब्रश लगा हुआ है जो झाड़ू का काम करता है और जितने भी चीजें आपके मिट्टी पे गिरा रहेगा सारे चीज को ये उठा लेता है। और इससे क्या होता है, आपको पोछने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, ये पूरा ड्राई क्लीनर है।
अब इसने तो अपना वैक्यूम का काम किया, लेकिन हमको भी ये देखना है कि सचमुच ये कितना अपने अंदर अपने चेंबर पे जो धूल मिट्टी वगैरह है उसको लिया है। देखिए इसने सारा कुछ अपने अंदर ले लिया है, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको और बारीकी से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए लाल मिर्च भी है, ये 5 फोरन भी है, और चाय का पत्ती भी है, और यहाँ जो सरसों है वो भी आपको मिल जाएगा। तो सारा चीज़ इसने मिट्टी से एकदम आसानी से उठा लिया था। तो आपने अभी देखा कि कितनी आसानी से ये आपके फर्श को साफ कर लेता है, ये कारपेट को भी उतनी आसानी से साफ करता है, और ये सारे चीज़ आपके जितने भी धूल मिट्टी वगैरह है उसको साफ कर लेता है, और आपको फिर पोछा लगाने की जरूरत उतना नहीं पड़ता है। तो अभी क्या हम लोगों का सारा चीज दिखाना हो गया, सारा डेमो हो गया? नहीं, अभी भी कुछ चीजें बाकी है। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अटैचमेंट आता है जो कि ये वाला है, यहाँ पे ये रहता है। तो जब इसको असेंबल करेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो आपको दिखा देते हैं, ऐसा एक कोन ब्रश इसके साथ आ जाता है। इसको कहाँ पे अटैच करना है, देखिए यहाँ पे जो बैक में होस लगा हुआ है इसको हमें खोलना है। तो इसका बैक साइड से आपको जो राइट साइड वाला होस को खोलना है, और उसके बाद उसको यहाँ पे अटैच करना है। देखिए यहाँ पे इसको प्रेस करके यहाँ पे आपको इसको अटैच कर देना है। तो ये इसका टोटल सिस्टम हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये जो होस पाइप है ना ये बहुत लंबा है, ये आपको ऐसे, ये फ्लेक्सिबल होस पाइप है, तो इससे आप किसी भी जगह को आसानी से साफ कर सकते हो। तो अभी जब आप इसको ऑन करोगे मशीन को, तो ये वाला जो पाइप है देखिए ये वाला काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये जो अटैचमेंट आता है ये ऐसे आता है, और इसको हमें फ्लेक्सी पाइप के साथ अटैच करना पड़ता है। तो ये इसको हमें ऐसे स्लाइड करना है, और स्लाइड करने के बाद यहाँ जो लॉक है इसको प्रेस करके हम इसको पूरा निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों का जो कोन वाला हो गया, इससे हम सोफा वगैरह किसी भी कोने पे इसको घुसा के हम वैक्यूम कर सकते हैं। और अगर हमको ब्रश वाला सिस्टम चाहिए, यानी ऐसा ऐसा ब्रश वाला सिस्टम चाहिए, तो इसको यहाँ पे एकदम इसके मुंह पे अटैच करना है, और इसको जब हमें नॉर्मली रखना है तो इसको प्रेस करके अंदर की तरफ रखना है, तो ऐसे ये यहाँ पे स्टे हो जाता है। और अगर हमें फ्लैट ब्रश हिसाब से इसको यूज करना है, यानी किसी फ्लैट सरफेस से हमें जो धूल मिट्टी निकालना है, तो इसको रिवर्स कर देना है और ऐसे इसको यहाँ पे अटैच करना है, और उसके बाद ऐसे यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे जो फ्लैट चीज से धूल मिट्टी निकालना है। देखिए इसमें भी आपका एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया हुआ है। तो ये 3-in-1 ब्रश इसके साथ अटैच किया हुआ है। देखिए जो इसका ब्रश सेक्शन है, इससे आप कीबोर्ड वगैरह का जो धूल मिट्टी है उसको आसानी से निकाल सकते हो। आपको ये याद रखना है कि ये लॉक वाला पोर्शन हमेशा एक ही तरफ रहेगा। फ्रेंड्स ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के घर में पहले से ऑलरेडी एक वैक्यूम क्लीनर है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपके घर में कौन सा वाला वैक्यूम क्लीनर है, और वो कितने प्राइस में, लगभग कितने प्राइस में आप उसको खरीदते। तो इससे हम लोगों का एक आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को कितने प्राइस का और कैसा वाला वैक्यूम क्लीनर जरूरत होता है। तो हम कोशिश करेंगे वैसा टाइप का वीडियो और वैसे टाइप का प्रोडक्ट आपके लिए रिकमेंड करने के लिए। तो चलिए अभी आपको इसका अलग अलग जो पार्ट्स है उसको कैसे हम लोग असेंबल करेंगे और इसमें क्या क्या डिवाइस लगा हुआ है वो सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है बेस वाला। तो यहाँ पे देखिए एक फिल्टर लगा हुआ है, ये आउटपुट फिल्टर है। इसको ऐसे ये वाला जो लॉक है इसको स्लाइड करने से ये खुल जाता है। तो इस फिल्टर को खोल के भी आप इसको साफ कर सकते हो। जो इसमें से हवा निकलता है वो आउटपुट वाला हवा यहाँ से ही निकलता है, फिर इसको ऐसे यहाँ पर प्रेस करना और इसको ऐसे लॉक कर देना, तो ये फिल्टर यहाँ पे फिर से अटैच हो जाता है। यहाँ पे नीचे देखिए आपका ये रोलर और इसका ब्रश यहाँ पे लगा हुआ है, और साइड पे देखो ये यहाँ पे एक होस पाइप लगा हुआ है, ये फ्लेक्सी पाइप है। तो इस पाइप को भी आप खोल के बाद में साफ कर सकते हो। इसको यहाँ से प्रेस करने से ये खुल जाता है, और इसको ऐसे यहाँ प्रेस करने से ये यहाँ अटैच हो जाता है। ये क्या काम करता है, ये यहाँ जो ब्रश है इसके साथ इस होस को कनेक्ट करता है। और फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ये बहुत मज़ेदार पार्ट है, ये बैगलेस, यहाँ डस्ट जमा होता है, इसमें कोई भी बैग वगैरह नहीं है। तो आपको उस बैग को खोलने का
या साफ करने का झंझट नहीं है। यहाँ ऊपर में इसका क्विक रिलीज नॉब दिया हुआ है, उसको प्रेस करने से ये आसानी से यहाँ से खुल जाता है और ये जो है आपके हाथ में चला आता है। और आप क्या कीजिएगा, आप इसको अपने हाथ में आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका लॉक है, इसको खोल के आसानी से जो डस्ट है उसको बाहर फेंक सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है और इसको फिर से ऐसे अटैच करके आप ये पीछे वाला देखिए, ये इसका क्विक रिलीज नॉब है, तो ये इसको ही आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। ये कट करके साउंड होगा और ये यहाँ फिर से बैठ गया। अब फ्रेंड्स, अभी आपको इस रॉड को इसके साथ जोड़ना है और इसको इसके साथ जोड़ने से पहले आपको ये वाला जो कंटेनर है जिसमें आपका डस्ट रहेगा उसको यहाँ से हटा देना है। तो इसको हमने अभी हटा दिया और उसके बाद पहले हमें ये जो रॉड है इसको ऐसे हमें यहाँ अटैच करना है, ये पीछे की तरफ रहेगा और इसको ऐसे लेके यहाँ पे प्रेस करके बैठा देना है। ये अपना लॉक पे पूरा अटक जाएगा, ऐसे कट करके साउंड होगा और ये यहाँ अटैच हो जाएगा। और यहाँ देखिए एक स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को आपको यहाँ पे पीछे से इसमें अटैच करना है। तो हम अभी वैक्यूम क्लीनर के पीछे जो हैंडल का स्क्रू है उसको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से अटैच कर देंगे। तो अभी हम लोग का जो वैक्यूम क्लीनर है वो अपने हैंडल के साथ पूरा अटैच हो गया है। अब हम लोग जो डस्ट कंटेनर है उसको यहाँ पे अटैच कर देंगे इस लॉक के साथ। तो ये यहाँ पे लॉक हो गया, अब ये पूरा एकदम मशीन सेट हो गया। सिर्फ अभी हम लोगों का जो पाइप है फ्लेक्सी पाइप उसको यहाँ अटैच करना बाकी है, तो चलिए कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो वैक्यूम क्लीनर है उसका पीछे का पोर्शन है और यहाँ आपको दो पाइप का छोर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें इसको अटैच करना है, तो लेफ्ट की तरफ, पीछे से लेफ्ट की तरफ हमें ये छोटा वाला हिस्सा जिसमें लॉक लगा हुआ है उसको अटैच करना है, क्योंकि इसमें लॉक का जगह दिया हुआ है। इसको ऐसे यहाँ प्रेस करना है और उसके बाद जो लॉक का जगह है ना वहाँ से इसको लॉक कर देना है। तो इसको क्लॉक वाइज घुमा के हमने लॉक कर दिया। और ये फ्लेक्सी पाइप है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसको ऐसे छोड़ दिया और इसको ऊपर की तरफ से ऐसे घुमा के यहाँ पे आके प्रेस कर देना है। तो ये पूरा एक कनेक्शन बन जाता है और ये आपका वायर वाइंड के लिए दिया हुआ है, जो आपका तार है इसके साथ आपका 25 फीट का तार आता है, बहुत बड़ा तार है। तो इसको यहाँ पे आप घुमा के इस जगह पे अटैच करके रख सकते हो। अब दोस्तों, और एक चीज बाकी रह जाता है वो ये वाला। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका जो एक्स्ट्रा ब्रश दिया हुआ है ये ब्रश यहाँ पे आप रख सकते हो। तो इसको ऐसे प्रेस करके यहाँ पे आप एकदम वैक्यूम क्लीनर भी अटैच करके रख सकते हो, इससे ये खो नहीं जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग वीडियो के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, लेकिन हम तो आपके लिए प्रोडक्ट लाते हैं, नया वीडियो लाते हैं और दिखा के फिर चले जाते हैं। लेकिन आपको कौन सा वीडियो पसंद है, क्या आपको ये वाला वीडियो पसंद आया, आपको मेरा क्या चीज पसंद आया, क्या चीज पसंद नहीं आया, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताइएगा तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे। तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमको ये बताइएगा कि आपको हमारे इस वीडियो पे या इस चैनल पे क्या चीजें पसंद नहीं है वो तो जरूर बताइएगा, और क्या चीजें आपको पसंद है वो भी आप बताइएगा तो हमें अच्छा लगेगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तो सबसे पहले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।